सभी इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एवं मोबाइल खरीदने के लिए संपर्क करें पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक अंबेडकर चौराहा खंडवा। मध्य प्रदेश के खंडवा से होकर हरसूद वाया झूमर खाली जाने वाली महालक्ष्मी ट्रेवल की बस का स्टेयरिंग फेल होने से बड़ा हादसा टल गया। लेकिन आपको बता दें कि बस तेज गति से चल रही थी। इस दौरान जैसा कि पैसेंजर ने बताया कि अचानक बस का स्टेयरिंग फेल हो गया और बस दाएं बाएं जाने लगी। जैसे तैसे बस को साइड में खड़ा किया गया और जब ऐसा हो रहा था तो जो भी यात्री बस में सवार थे सभी घबरा गए और उनमें दहशत का माहौल निर्मित हो गया। बस में जिस समय यह हादसा होते होते बचा उस समय बच्चे बुजुर्ग महिलाएं सभी प्रकार की सवारी शामिल थी। बस ड्राइवर ने बताया कि खंडवा से होकर हरसूद वाया झूमर खाली यह बस जाती है, महालक्ष्मी ट्रेवल की बस है। 5:30 बजे के आसपास यह हादसा होना बताया जा रहा है। और आपको बता दें कि लगातार खंडवा में बसों के हादसे रुकने का नाम नहीं ले रहे। लोगों में इस बात को लेकर गुस्सा है कि आखिर RTO इनको कैसे परमिट दे देता है, इनकी फिटनेस को लेकर जांच क्यों नहीं की जाती। खंडवा ज़िले में यह कोई पहला हादसा नहीं है। आपको बता दें इस तरह के कई हादसे हो चुके हैं जहां बसों के इस तरीके से स्टीयरिंग फेल होने, ब्रेक फेल होने और खटारा बस होने के चलते कई लोगों को अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना पड़ा है। लगातार इस विषय को लेकर खंडवा ज़िले में लोगों की नाराज़गी है। लोगों का कहना है कि RTO को परमिट तभी देना चाहिए जब बसों की हालत ठीक हो, फिटनेस ठीक हो। लेकिन ज़्यादातर बसों में फिटनेस को लेकर कमियां हैं, गाड़ियों के टायर ख़राब हैं, कहीं एग्ज़िट गेट नहीं है तो कहीं सीट ख़राब है, ओवरलोड होके बसें हमेशा चलती हैं, बसों में दुर्व्यवहार भी यात्रियों से होता है, इस तरह की भी लगातार शिकायतें आती रहती हैं। खंडवा ज़िले के खासकर बसों में यात्रा करने वाले सवारियों और यात्रियों का कहना है कि RTO को इस संबंध में ध्यान देना चाहिए, स्थानीय प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। अगर स्थानीय प्रशासन ध्यान नहीं देगा तो इस तरह के हादसे लगातार जिले में होते रहेंगे। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक पर फेस्टिवल सीजन के चलते LED TV, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, AC एवं मोबाइल पर अधिकतम डिस्काउंट के साथ साथ सबसे कम प्राइस पर प्रोडक्ट सेल किए जा रहे हैं। इसके अलावा संस्था पर फाइनेंस सुविधा भी उपलब्ध है। कोई भी प्रोडक्ट खरीदने से पहले आप यहां एक बार जरूर विजिट करें अंबेडकर चौराहा खंडवा।